Hi, namaste, and welcome to the channel, guys. Its name is Rampal Reacts. So, Citadel Honey Bunny, the teaser was really good. I personally enjoyed it for a reason, because not because of Varun Dhawan or Samantha. It's because mainly जिस हिसाब से editing की गई थी, जिस हिसाब से represent किया गया है teaser को in front of all the audiences. I kind of liked it. एक peppiness था, एक liveliness था. कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ नया देखने मिलेगा. अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट जानते हैं पूरी स्टोरी सिटाडेल हनी बनी के बारे में. ऐसी क्या खास बात है दैट द शो हैज कॉल्ड सिटाडेल हनी बनी? ऐसा क्या है दैट दे हैड टू यूज द वर्ड सिटाडेल एंड नॉट जस्ट हनी बनी? और मूवी किस बेसिस में हो सकती है, वेदर इट्स गोइंग टू बी अ हिट और अ फ्लॉप? सो बने रहिएगा, वी विल रिव्यू द टीजर एंड जानते हैं थोड़ी हिस्ट्री ऑन सिटाडेल हनी बनी. सिटाडेल जो बेसिकली 2023 में लॉन्च हुई थी विद 6 एपिसोड्स, इट हैड अ ओवरऑल बजट ऑफ 300 मिलियन, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना बजट नहीं था. वी विल गेट इनटू इट कि व्हाई वाज इट ओवरशॉट ऑन बजट एंड इट रीच्ड अप टिल 300 मिलियन. सो सिटाडेल जैसे ही लॉन्च हुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट डिड नॉट कनेक्ट, इट डिड हैड अ हुक. हॉलीवुड के लिए प्रियंका चोपड़ा वॉज कंप्लीटली न्यू, इट डिड नॉट कनेक्ट विद द ऑडियंस. नाइदर रिचर्ड मेडन, बिकॉज रिचर्ड मेडन पास्ट में अपने गेम ऑफ थ्रोन्स में रॉक स्टार रह चुके हैं, ही डिडंट हैड अ कैरेक्टर जिस हिसाब से जॉन स्नो का एक बहुत अच्छा फेमस कैरेक्टर था एंड पीपल कनेक्टेड विद दैट कैरेक्टर. देयर वर गेम ऑफ थ्रोन्स में जो एक कंप्लीटली बोलते हैं कि ओवरशाइन हुए थे, देयर वर आई फील हिज ओनली थ्री कैरेक्टर्स, वन वॉज जॉन स्नो, द सेकेंड वॉज कार्ल ड्रोगो एंड द थर्ड वन वॉज खलीजी. आई डिडंट फील, आई डिडंट कनेक्ट विद यू नो रॉब स्टार्क, एंड दैट इज द रीजन रॉब स्टार्क भी कुछ दे नहीं पाए सिटाडेल को. रूसो ब्रदर्स डिड नॉट लाइक द एंटायर सीरीज एंड दैट इज द रीजन ये पूरा का पूरा सीरीज वापस से बनाया गया था. इनिशियली इट वॉज सपोज टू बी विद 8 एपिसोड्स, बट क्योंकि ऑब्वियसली बजट ओवरशॉट हो चुका था, दे सेटल डाउन विद 6 एपिसोड्स इटसेल्फ. अब सिटाडेल है क्या? सिटाडेल एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक आई वुड से दैट एक यूनिवर्स है जो हर जगह अपने स्पाइज बना के रखते हैं. दे ट्रेन देम, दे हैव देयर स्पेशल टास्क, दे हैव देयर स्पेशल मिशंस जिनको वो टाइम टू टाइम पूरा करते रहते हैं और देश को बचाते रहते हैं. इन शॉर्ट एक ऐसा यूनिवर्स जहां पे आई वुड से दैट मार्वल या डीसी भी कम पड़ सकता है, बस सिटाडेल इज इक्विप्ड विद ऑल द गैजेट्स, इक्विप्ड विद ऑल द नॉलेज. और कहीं ना कहीं आई काइंड ऑफ फील के इनका पूरा ये सीरीज बनाने का ये भी एक आइडिया था, ताकि ऑल द यूनिवर्सेस कैन कनेक्ट together in a final show itself only. जिस हिसाब से Marvel और DC अपने representation करते हैं कि all the you know superheroes combine and you know one big movie is created, the same way Citadel को भी बनाने की कोशिश की जा रही थी. One movie show जो US में बनाया जा रहा था, second was in Bollywood, third probably Italy, fourth was Mexico, और ये सब उस हिसाब से होता ताकि finally एक बड़ा show बनाया जाता and all the spies together are solving one mission which is saving the world, and that is the reason the complete show was a flop. But डरिएगा मत, इन्होंने फिर भी सोचा है कि क्यों ना हम इसका season 2 भी बनाएं. अगर आप हमारी माने तो Citadel flop इसलिए भी हुआ था because of two reasons. One of the reason were the choices of actors. दूसरा कारण ये था that the entire series was very basic. It was very thanda. The action wasn't that great. ऐसा नहीं है कि audience ने इसके पहले कोई James Bond type movies या ऐसी कोई spy movies नहीं देखी है. We've seen it all. The bar was already so high that I kind of feel that Citadel couldn't match up to it. There's a saying in film industry that the show must go on. So Citadel के flop हो जाने के बाद the Russo brothers decided कि क्यों ना ये universe still continue किया जाए. Probably Bollywood में एक turn of event हो सकता है. They have high hopes that possibility है कि Bollywood में Citadel Honey Bunny can be a good hit. I kind of feel कि कोई भी series को hit बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है. एक good director जिसका एक अच्छा vision हो. दूसरा, the casting has to be really good so that the entire audience also connect with certain casts. And the third and the last thing, which is the story lineup. Agar ye teen tigri अच्छे से बैठ जाए एक सीरीज में, then definitely that series is gonna be a hit. So Russo brothers की Citadel की franchisee की Bollywood में entry तो हो चुकी है. Good that they've taken a right decision of choosing a good director for their series. Otherwise, I kind of feel ये सीरीज भी उस हिसाब से जिस हिसाब से सिटाडेल गई थी ये भी पिट जाती बॉलीवुड में. बट थैंक्स टू देम एंड देयर राइट डिसीजन ऑफ टेकिंग अ गुड डायरेक्टर ऑन बोर्ड विच इज राज एंड डीके, जिन्होंने पास्ट में फैमिली मैन और फर्जी जैसे
बहुत हिट सीरीज दी है हम सभी को। सिटाडेल हनी बनी टीजर की जिस हिसाब से शुरुआत हुई है, जैसे हम एक्साइटेड हैं, आई कैन फील के देयर आर मेनी हु इज गोना बी एक्साइटेड बिकॉज द टीजर वाज वेरी प्रॉमिसिंग। द एक्टर्स, द कास्ट, के मेनन से लेके वरुण धवन, समंता, एवरीबॉडीज परफॉर्मेंस वर प्रीटी गुड। आई कैन फील के अगर जिस हिसाब से टीजर निकला है, ट्रेलर और उसके बाद सीरीज अगर बहुत अच्छे से एक हुक रखेगी, ऑडियंस को क्रेव करती रहेगी कि भाई इसके बाद वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, कि सीजन टू में क्या होने वाला है, देन डेफिनेटली दैट सीरीज इज गोना बी अ हिट। हम सभी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा फॉर द लॉन्च ऑफ हनी एंड बनी, जो लॉन्च होने वाली है 7th of November को 2024 में। द कास्टिंग फॉर हनी एंड बनी इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। राज और डीके ने के मेनन और समंता को शायद इसलिए भी लिया है, प्रॉब्ली आई फील दे आर देयर लकी कार्ड्स, रीजन बीइंग बिकॉज डीके एंड राज के प्रीवियस जो सीरीज थे विच वॉज फर्जी, जहां पे के मेनन वॉज द विलन, एंड अपने सीजन टू में फैमिली मैन में समंता आप सभी को दिखेंगी। सो क्या अगेन ये लकी कार्ड्स काम आ सकते हैं फॉर राज एंड डीके? अब ये तो वक्त ही बताएगा। मोर देन द मूवी आई कैन लाइक सीरीज। वन ऑफ द रीजन इज बेसिकली सीरीज को आप आराम से बिंज वॉचिंग कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ करके क्या 8 घंटे 12 घंटे आपको नहीं लगाने, आराम से आप हफ्ते भर में भी एक एक एपिसोड कंप्लीट कर सकते हैं। मूवी का बहुत ही छोटा सा एंटरटेनमेंट फैक्टर होता है, 2-3 घंटे में द एंटायर फन इज ऑल ओवर, बट सीरीज में आपको एक इंटरेस्ट लगा रहता है। And that is the reason Varun Dhawan भी OTT platform में आ चुके हैं, finally with his Honey and Bunny. अब क्या होगा? क्योंकि बड़े-बड़े stars जैसे शाहिद कपूर in फर्जी and सैफ अली खान अपने सेक्रेट गेम्स में आ चुके हैं, सो वरुण धवन क्या अपना चार्म बिठा पाएंगे ये सीरीज में? सिटाडेल हनी बनी में हनी हमारी समंता और बनी हमारे वरुण, 8 episodes के ये पूरा सीरीज होने वाला है। होप हम सभी के पास 8 से 10 घंटे का टाइम होगा आराम से ये सीरीज को देखने के लिए और मजे लेने के लिए। और निराश बिल्कुल मत होइएगा बिकॉज सिटाडेल विद प्रियंका चोपड़ा सीजन टू भी शुरू होने वाला है। सो दैट वॉज सिटाडेल हनी एंड बनी विच इज गोना बी कमिंग इन वेरी सून इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो आई होप आप सभी को हमारा ये छोटा सा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया है सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और वो बेल आइकन जरूर दबा देना। टिल देन वी विल सी इन द नेक्स्ट मंथ। चीयर्स, बाय।